सीता और गीता से लेकर कंगना की फिल्म रंगून तक दर्शकों ने पर्दे पर अभिनेत्रियों द्वारा हंटर से विलन की चमड़ियां उधेड़ते खूब देखा है। लेकिन कम लोगों को पता है कि एक बार हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी ने स्टाइल को अपने निजी जीवन में इतने जोरदार तरीके से इस्तेमाल किया कि उनके शौहर कमाल अमरोही इंडस्ट्री में मजाक का पात्र बनकर रह गए। मीना कुमारी और कमाल अमरोही की निजी जिंदगी को लेकर बॉलीवुड में कई किस्से प्रचलित रहे हैं। उनमें से एक ये भी है कि अमरोही ने मीना कुमारी का इस्तेमाल केवल अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए किया, जिससे वो दरिया और रजिया सुल्तान जैसी फिल्मों के जरिए गंवाते रहे। कहा जाता है कि कमाल अमरोही काफी शक्की किस्म के इंसान थे, इसलिए उन्होंने मीना कुमारी का किसी को स्टार के साथ बातें करना पसंद नहीं था। अमरोही ने मीना के पीछे कई जासूस लगा रखे थे जो उनकी हर गतिविधि की खबर अमरोही तक पहुंचा देते। मीना जी थोड़े आजाद ख्याल की औरत थी, इसलिए दोनों के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे। इन झगड़ों के दौरान अमरोही कई बार मीना कुमारी की जमकर पिटाई भी कर देते थे। फिल्म बहू बेगम में प्रदीप कुमार मीना कुमारी के को स्टार थे और दोनों के बीच अच्छी जमती थी। प्रदीप कुमार अमरोही को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। उन्होंने प्रदीप कुमार को पहले तो धमकी दी, लेकिन जब इसका कोई खास असर उन दोनों पर नहीं हुआ तो अमरोही ने मीना कुमारी पर अपनी मर्दाना ताकत आजमाने का फैसला किया। मीना कुमारी जब शूटिंग से वापस लौटी तो उन्हें गुस्से से भरे अमरोही को अपना इंतजार करते पाया। घर में पैर रखते ही उनसे जवाब तलब शुरू हो गए और जल्द ही दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। गुस्से में भरे अमरोही ने मीना कुमारी को हंटर से पीटना शुरू कर दिया। कुछ देर तो मीना जी चुपचाप पीटती रहीं, लेकिन जब अमरोही उन्हें गालियां बकने लगे तो उनका धैर्य चूक गया। मीना कुमारी ने अमरोही के हाथों से चाबुक छीन लिया और दनादन कई चाबुक उन पर जड़ दिए। अवाक अमरोही बिलबिलाते हुए घर से बाहर निकल गए। मीना कुमारी की एक बाई के जरिए ये खबर बाहर निकली और अमरोही खुद की ही नजरों में गिर गए। अंततः यही बेइज्जती अमरोही और मीना के रिश्ते टूटने की वजह भी बन गई।